आज़ाद ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरपरस्त आला डॉक्टर एसएन वारिस ने मुकद्दस पार्क गुलशन रावी नजदुल्ला भट्टी चौक में हबुल्ला वेलफेयर सोसाइटी और वर्ल्ड केयर फाउंडेशन के जेर एहतमाम बनने वाली फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर एसएन वारिस ने मुल्क में अमनो अमान और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करवाई और मेहमानों को इदारे का विजिट करवाया। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के सदर राजा हसन अख्तर, पाकिस्तान ट्रेडर फ्रंट के सरपरस्त मलिक उस्मान, एमपीए हारून गिल, डॉक्टर उस्मान बशीर, वर्ल्ड केयर फाउंडेशन यूके, डॉक्टर अरूसा उस्मान कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन, पीटीआई के बानी रुकन इंजीनियर राजा आबिद यूनस और डॉक्टर इजहार वारिस, डॉक्टर मसूद मुमताज, डॉक्टर बशीर अहमद के अलावा ताजिरों और सनतकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिफाहे आमा के लिए आज़ाद ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में 5 से ज्यादा फ्री डिस्पेंसरियों का इफ्तिताह कर दिया है, जहां पर गरीब और नादार मरीजों को फ्री चेकअप, अद्वियात और अल्ट्रासाउंड की सहूलियत दी जाएंगी। राजा हसन अख्तर ने कहा, आज़ाद ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वर्ल्ड केयर फाउंडेशन मिलकर लाहौर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी लोगों की सेहत आमा की सहूलियत देने के लिए फ्री डिस्पेंसरी और हस्पताल का क्याम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर निजाम टीवी से बात करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि फ्री क्लिनिक की आज ओपनिंग की है। इसको जो फंडिंग कर रहे हैं वो हेल्थ केयर वाले कर रहे हैं यूके, और प्लस ये हबुल्ला वेलफेयर सोसाइटी, ये दोनों का जॉइंट एडवेंचर है। पर्पस ये है कि फ्री मेडिसन्स, फ्री चेकअप एंड फ्री अल्ट्रासाउंड, ये हम तीनों चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह प्रोवाइड करना शुरू। ये हर एक के लिए है, लेकिन इसमें हमने जो उसका रोल मॉडल इसका तैयार किया है, सिस्टम तैयार किया है, वो ये है कि हम उसके पीछे पूरा उसका बैकअप देखेंगे कि वो लोग कितने अफोर्डिंग है। सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोफेसर एहसन वारिस का कि माशाल्लाह हम तो बहुत ही मतलब इम्प्रेस हुए हैं सारा कुछ देख के, इनका सेटअप, इन्होंने जिस लेवल की तैयारी की हुई है और सारा जो उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो सारा सुन के बड़ी तसल्ली हुई हमें। मैं जस्ट ब्रीफली बताता चलूँ कि हम वर्ल्ड केयर फाउंडेशन एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% चैरिटेबल वर्क करती है, यानी कि इसमें कोई भी परसेंटेज किसी भी एडमिन फी की वो कोई भी नहीं लेती। यूके में जो हम करते हैं, हमारे अभी तक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो सीरियन रिफ्यूजीज, लेबनान, यमन, रोहिंग्या, इनमें चल रहे थे। आज़ाद ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जहाँ भरपूर तरीके से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी सियासी सरगर्मियां हैं उनमें हिस्सा लेता है, बल्कि वो बहुत सारे हमारे जो रिफाए आमा के प्रोजेक्ट हैं वो भी हम लेके चल रहे हैं, जिसमें आज ये एक डिस्पेंसरी है जिसका हमने इफ्तिताह किया है। ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हबुल्ला, जो बेस करती है सदकात पर, खैरात पर और लोगों की इमदाद पर। तो वो उस हबुल्ला तंजीम और जो वर्ल्ड फाउंडेशन है उसकी हेल्थ फाउंडेशन, उन्होंने मिलके एक जॉइंट वेंचर किया है। हमने जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे वो लोग जो बेचारे अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आज हमने ये एक फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया है। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, बड़ा ज़बरदस्त हमने सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तो आज की जो इस गुलशन रावी के इलाके में क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है, उसमें हबुल्ला सोसाइटी, केयर सोसाइटी जो है और वर्ल्ड केयर फाउंडेशन जो है, इनका एक जॉइंट वेंचर है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सेहत की हालत है उसमें जिस तरीके से ये दोनों एनजीओज़ ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर के हवाले से इस इलाके के लोगों को सेहत की सहूलतें देने के हवाले से इस क्लिनिक का आगाज़ किया है, ये इस इलाके के लिए एक ब्लेसिंग है। ये आज की तकरीब जो है बहुत ही पुरवकार है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जो आज हम ओपनिंग सेरेमनी में इन्वाइट किया गया है मुझे, और बहुत खुशी हुई कि जो वर्ल्ड केयर और हबुल्ला जो फाउंडेशन से दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फ्री डिस्पेंसरी और फ्री कंसल्टेंसी और फ्री मेडिकल के जो ये डिस्पेंसरी ओपन कर रही हैं, और गाये बगाए हर इलाके में ये कोशा है और जो खिदमत के खल्क की जो खुदा ने इन्हें तौफीक दी हुई है वो काम कर रही हैं, इस पर बड़ी ये खुशाइन बात। आज की तकरीब जो है जी, ये माशाल्लाह बिल्कुल हमारे मिशन के मुताबिक है, पार्टी तहरीक इंसाफ के मिशन के मुताबिक, और ये हबुल्ला
جو تنظیم ہے، جو ان کا ادارہ ہے، یہ میرا خیال ہے وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حب الوطن ہے، حب الوطن جو لوگ ہیں وہی ایسے کام کر سکتے ہیں، اور ان کا نام بھی ماشاءاللہ اسی طرح ہے، اور یہ ورلڈ کیئر جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مل کے پاکستان میں، چونکہ 70 سال سے لوٹ مار کا دور ہے، آپ کے سامنے ہاسپٹل دیکھ لیں، وہاں پہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، مریضوں کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر ہی نہیں ہیں، اور ان حالات میں جب ایک اپنی مدد آپ کے تحت کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر احسن وارث صاحب جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کیمرامین عبداللہ سلطانی کے ہمراہ ماریا خان، نظام ٹی وی، لاہور۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314848۔ Yunus Mobile, wholesale dealer, all mobile brands available, 25 years of trust, address 29 Main Hall Road, Lahore, phone 042-372-4485.